नमस्कार, SS लोकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पे। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर से। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा, जबकि मुरादाबाद में 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में 1 चरण में, जबकि मणिपुर में 2 और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। मतदान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से होगी। सभी राज्यों के एक साथ 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। चुनावों के दौरान सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। आपको बता दें कि मुरादाबाद में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी 5 राज्यों के चुनाव कुल 7 चरणों में पूरे होंगे। मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होगी। यूपी में 10 फरवरी को पहला फेज, 14 को दूसरा, 20 को तीसरा, 23 को चौथा और 27 को पांचवा, 3 मार्च को छठा और 7 मार्च को सातवां चरण का मतदान होगा। 10 मार्च को 5 राज्यों में मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन में भी अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था राजनीतिक दल ही करेंगे। मतगणना के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। कोरोना की चुनौतियों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को हमारी सलाह है कि वे अपने चुनाव प्रचार कार्यक्रमों को डिजिटल मोड में ही चलाएं। 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, बाइक रैली, जुलूस या पदयात्रा की इजाजत नहीं होगी। यही नहीं, 15 जनवरी तक कोई फिजिकल रैली भी नहीं आयोजित की जाएगी। बाद में डिटेल गाइडलाइन जारी की जाएगी। भगतपुर में सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने किया। भगतपुर में सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने किया। प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य जिला पंचायत की निधि की राशि से कराया जाएगा। इस प्रवेश द्वार के निर्माण से कामेश्वर महादेव मंदिर की भव्यता और बढ़ जाएगी। द्वार का निर्माण टांडा मार्ग से मंदिर तक की पहुंच पथ पर कराया जाएगा। मुख्य मार्ग से मंदिर तक की जर्जर संपर्क सड़क को भी पुनर्निर्माण कराया गया। श्री सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव मंदिर जो कि 600 वर्ष पूर्व शिवलिंग स्थापित है और स्वयंभू महादेव यहाँ पर प्रगट महादेव हैं, तो काफ़ी समय से एक ये चिंता रहती थी कि भाई यहाँ पर एक मुख्य मार्ग गेट होना चाहिए जिससे पता चले बाहर के व्यक्ति को कि वास्तव में कामेश्वर महादेव धाम भी यहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये जो पॉइंट आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है एक प्रवेश द्वार के रूप में, तो यहाँ से जो है उत्तराखंड भी जोड़ता है ये मार्ग, क्योंकि यहाँ से 80 किलोमीटर उत्तराखंड यानी नैनीताल रह जाता है, बाजपुर है, इसलिए आज यहाँ पर भगवान कामेश्वर महादेव का एक विशाल फतेह गेट का शुभारम्भ प्रारंभ हो जाएगा। भूमि पूजन हुआ है, माननीय भूमि पूजन में माननीय भूमि पूजन के लिए कौन कौन आया? भूमि पूजन में हमारे जिले से प्रथम जो नागरिक कही जाती हैं जिला पंचायत अध्यक्ष जी माननीय डॉक्टर शेफाली सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब कार्य चल रहा है। और हमारे साथ AK मिश्रा जी हैं, श्याम बैरी शर्मा जी हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख माननीय संतोष कुमार सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और नवदीप जी को मैंने कहा था वो भी उपस्थित हैं। सभी गणमान्य लोगों के द्वारा यहाँ पर ये सब कार्य सम्पन्न हुआ है। बताते चलें कि इस प्रवेश द्वार के निर्माण की मांग वर्षों से स्थानीय लोग करते आ रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य महंत सुंदरगिरी महाराज ने जन आकांक्षा को देखते हुए प्रवेश द्वार का निर्माण कराने का निर्णय लिया। यहाँ ये भी स्मरणीय है कि ये स्थल पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, जहाँ भगवान भोलेनाथ अपूर्णी रूपी सुंदर शिवलिंग इलाके के लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से लोग जलाभिषेक एवं शिव आराधना करने पहुँचते रहते हैं। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि शिवलिंग काफी महत्व रखता है। आज हमारे यहाँ निवाड़ खास में जो सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव मंदिर है उसका एक मुख्य द्वार बनवाने का कार्य जिला पंचायत के थ्रू हो रहा है। जिला पंचायत से मानपुर चौराहे पे एक कामेश्वर महादेव का द्वार बनाया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को हमेशा एक दुविधा रहती थी कि मंदिर का रास्ता कौन सा है, मंदिर का रास्ता कौन सा है, वो दुविधा भी खत्म होगी और
आसपास के इलाके में ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी सड़क लेके हमें महादेव जी के मंदिर जाना है। जी मैम, कब तक शुरू हो जाएगा इसका? आज हमने भूमि पूजन कर दिया है और अभी मान के चलिए शुरू करना और ख़त्म करना तो जो कंस्ट्रक्शन ठेकेदार है उनका काम है और वो भी आज से अपने काम में शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि 2.5-3 महीने के अंदर ये द्वार बन जाएगा और इसका लोकार्पण करने हम लोग दोबारा मिलेंगे। इस अवसर पर महंत गंगागिरी महाराज, अपर मुख्य अधिकारी शिशुपाल शर्मा, के मिश्रा, श्याम बिहारी शर्मा, जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह, SKDM के प्रबंधक राजीव यादव, सिरसवा हरचंद ग्राम प्रधान रणवीर सिंह, अभिषेक कुमार आदि मौजूद रहे। बिजनौर के पार्कर पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिजनौर जनपद के पार्कर पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पाशा के नेतृत्व में गरीब असहाय लोगों को 1000 कंबल और दिव्यांगों को 10000 व्हीलचेयर और अन्य उपकरण वितरित किए गए, जिसमें भाजपा विधायक अशोक राणा और SDM धामपुर, CO धामपुर शामिल हुए। और पाशा जी, चेयरमैन साहब, मैं आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस नेक कार्यक्रम में मुझे आपने भाग लेने का अवसर दिया। जो आप लोग अच्छा नेक काम कर रहे हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। जैसे कि मैं 2 महीने हो गया है ज्वाइन किए जिले में, तो पाशा जी से मेरी मुलाकात हुई, इनका व्यक्तित्व देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कितने जुझारू हैं और एक समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हैं और हमारे इलेक्शन के लिए भी ये स्वीप के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अक्सर इनसे मुलाकात होती रहती है और इनकी ये अपनी संस्थाओं के बारे में हमें बताते हैं कि हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं। ये जो आपकी संस्था है, जो समाज सेवी संस्था है, ये सरकार का ही सहयोग करती है क्योंकि सरकार के पास इतना नहीं हो पाता है कि हर जनमानस तक पहुँच सके। जैसे कंबल वितरण है, आपकी ये विकलांग चेयर हैं, तो ये संस्था बटवाती है और ये हमारे जो सरकार के ही सहयोग करती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आशा जी को और उनके इस संस्थान को, इसके एसोसिएशन को, ये जो सालों से इस कार्य में जुटे हैं और इसको मैं इनके भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि ये और अच्छा कार्य करें और प्रशासनिक सहयोग जहाँ से भी हम लोग दे सकते हैं इनको पूरा हम सहयोग प्रदान करेंगे। मैं इनका अंत में फिर से धन्यवाद देता हूँ और सभी जो लाभार्थी उपस्थित हैं और सभी लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद। दसा सिंहारा थाना क्षेत्र के गांव बुढ़नपुर में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अशोक कुमार राणा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पाशा के नेतृत्व में गरीब असहाय लोगों को 1000 कंबल वितरित किए गए और 25 ट्राई साइकिल और 10 व्हील चेयर और 30 सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इसके साथ ही साथ गरीब असहाय लोगों को अन्य उपकरण भी बांटे गए। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इसके हिस्से ट्राई साइकिल, कंबल और अन्य सुविधाएं दिव्यांगजनों को बांटने के लिए आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका सिवारा के चेयरमैन अख्तर जलील साहब, हमारे बीच में उपस्थित युवा ब्लॉक प्रमुख उज्जवल चौहान जी, प्रमोद त्यागी जी और मेरे छोटे भाई राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष MR पाशा जी। दोस्तों, MR पाशा जी से मेरा पारिवारिक संबंध है और आपसे ही नहीं, मेरे स्वर्गीय पिताजी के समय से उनके परिवार का एक संबंध कायम है जो आज भी MR पाशा जी और मैं निभाने की कोई कोशिश अपनी तरफ से करते हैं। दोस्तों, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, युवा साथियों,
पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, दोस्तों, कहना तो बड़ा आसान होता है पर किसी काम को नियति तक पहुंचाना, चाहे वो बीज वितरण हो, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे और गरीबों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, मैं जानता हूं ये एमआर पासा का ही जीवन है। ये आपकी लड़ाई सदैव लड़ते हैं, सभी दिव्यांग जनों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और मुझे एक दिन में बिजनौर गया था, एसपी से मिलने गया, तो मुझसे कुछ देर पहले एमआर पासा वहां पे कोई दिव्यांग जन की शिकायत लेकर के गए थे, तो बातों बातों में बात चल पड़ी। तो खुद इस जिले के एसपी मुझसे कह रहे थे कि भाई एमआर पासा जब भी आते हैं समस्याएं लेकर आते हैं, और वो समस्याएं जनरल होती हैं, गरीबों की समस्याएं होती हैं, तो मैं उन्हें कभी इंतजार नहीं कराता, जैसे मुझे पता चलता है कि एमआर पासा मौजूद। साथ ही इस मौके पर विधायक अशोक राणा, धामपुर एसडीएम और तमाम कार्यकर्ता भाजपा के मौजूद रहे। मुंडा पांडे क्षेत्र के राजेंद्र इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के राजेंद्र इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जफर इस्लाम, सांसद राज्यसभा द्वारा कंबल और लिहाफ वितरण किए गए। साथ ही इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी नेताओं का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं जफर इस्लाम ने बताया कि आने वाले 2022 में उनकी पार्टी को पूरे बहुमत से कामयाबी मिलेगी। साथ ही समाजवादी और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सरकारों ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है, उनकी सरकार ने जनता के लिए ऐसा काम किया है। 2022 में जनता सभी को नकारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाही अच्छे से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हर कार्यकर्ता का दायित्व एक ही है कि समाज की सेवा करना है। आज भी जो प्रोग्राम यहां पर डॉक्टर राकेश सिंह जी ने ऑर्गेनाइज किया है, इस समाज में जो कंबल वितरण में जो गरीब लोगों को इस मौसम में शीतलहरी में कहीं ना कहीं उनके काम आने के लिए आज उन्होंने रजाई और कंबल वितरण करने का जो प्रयास किया है, उनके हाथ को बटाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। साथ साथ और भी कई प्रोग्राम हैं हमारे, इसलिए कि मैं डीएम से मिला और चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिला, इसलिए ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है तेजी से, इसकी क्या यहाँ पर व्यवस्था है उसकी भी हमने सबसे पूरी जानकारी ली। कुछ और अगर उनको सहायता की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी जानकारी ली और हमने पूरा उसका मुआयना किया। जो हम प्रिपेयर्डनेस है, हमारी तैयारी है, उसके बारे में पूरा मुआयना किया चीफ मेडिकल ऑफिसर और साथ में डीएम के साथ मिलके, और उसकी भी जो है जानकारी आप लोगों को शायद वो दे देंगे या हमारे प्रेस रिलीज हम उस पर जारी करेंगे। साथ साथ हम और भी कुछ और विधानसभा में जाएंगे, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। यही आज का है प्रोग्राम। साथ ही इस मौके पर मुंडा पांडे क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संबल में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शाफिकुर रहमान बर्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार के द्वारा की गई चूक के मामले में पंजाब सरकार का बचाव करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफिकुर रहमान बर्क ने बयान देते हुए कहा कि कानून के अनुसार पीएम की जो सुरक्षा तय की गई है वो पहले से ही प्रधानमंत्री को मिली हुई है, ये एक हादसा था, पता नहीं कैसे हो गया। सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार की चूक के मामले पर सपा सांसद बचाव करते हुए नजर आए। सपा सांसद बर्क ने कहा कि ये कोई चूक नहीं बल्कि इत्तेफाक है, कोई भी अपने प्रधानमंत्री के साथ ऐसा क्यों करेगा, इसमें बदनीयती की कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति से मिलने के सवाल पर बर्क ने कहा कि अगर उनकी राय है तो वो जांच करा ले, इसमें कोई बुरी बात नहीं और जांच कराने के बाद सच्चाई भी सामने आ ही जाएगी। रहनी चाहिए उनकी, तो उनका जो राइट है सुरक्षा का, जो राइट है गवर्नमेंट के जो आईन के एतबार से, जो हमारा लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से, जो गवर्नमेंट ने
उसने उस ला के अंदर जो सुरक्षा रखी है वो उनको प्रोवाइडेड है। नहीं, पंजाब में जो हुआ ये सारा बवाल, अब ये तो उनका हादसा हो गया, कैसे हो गया ये तो वो जाने, हम इसमें कुछ नहीं दखल दे सकते इसमें। तो क्या सांसद जी पंजाब सरकार की आप चूक मानते हैं इसमें, जो है जिस तरीके से लगातार ना जारी है? अब चूक नहीं, इत्तेफाक है बस, ये चूक वो कुछ नहीं है कि इसमें जानबूझकर कौन क्यों करेगा अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ में। भाई जो देश का प्राइम मिनिस्टर है कोई ऐसे तो है नहीं कि हर आदमी को मामूली आदमी, सब जानते हैं सब कुछ है, तो चूक हो सकती है। हम भी यहाँ से कुछ देर लेट हो गए वो हो गए इधर से, ये कहने सुनने में वैसे मैं समझता हूँ कि ये कोई बदनीयती की बात नहीं है। राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मिले हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी राष्ट्रपति को भी दी है, तो ठीक है जांच कराने, वो तो उनकी राय है और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं, जांच करने के बाद में भी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देवबंद में एटीएम कमांडो सेंटर और संभल में 24वीं वाहिनी पीएसी की स्वीकृति को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया। बर्क ने बयान देते हुए यूपी सरकार की तरफ इशारा करके मुसलमानों को खौफजदा करने का कारण बताया। सांसद डॉक्टर बर्क ने कहा कि देवबंद और संभल में ज्यादा मुसलमान ही हैं और इलेक्शन सिर पर है, इसलिए ऐसा करके हर जगह प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं जिससे कि मुसलमान खौफजदा होकर अपनी राय को बदल दें और वो वोट हमें मिल जाए। भाई वहाँ भी मुसलमान ही है, यहाँ भी ज्यादा मुसलमान ही है, तो इन्हें इस वक्त इलेक्शन सर पर खड़ा है तो हर जगह मतलब ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं और के मुसलमान खौफजदा हो जाए और वो अपने राय को बदल दे और वो वोट हमें मिल जाए। मुसलमान से क्या मतलब है सांसद जी का? मुसलमान से क्या मतलब है? मुसलमान से क्या मतलब है? मुस्लिम है या मुस्लिम है, इससे क्या मतलब? हमारी जब तादाद यहाँ मुसलमानों की ज्यादा है तो मुसलमान वोट को। आपको बता दें कि सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। मझोला थाने में कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने पहुंचकर कुछ दबंगों पर अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया है। मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन चौधरी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां पर सचिन चौधरी द्वारा थाने में जाकर कुछ दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिन चौधरी द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया है कि वे मझोला इलाके में किसी कार्यक्रम के लिए गए थे, जिसके बाद उनके साथ कुछ दबंगों द्वारा अभद्रता की गई। इस मामले को लेकर उन्होंने मझोला पुलिस को घटना की जानकारी दी और इंसाफ की गुहार लगाई। आज ये रिपब्लिक की एक डिबेट थी सर्किट हाउस के पीछे मुरादाबाद में, तो वहाँ पे हम गए हुए थे, तो वहाँ पे डिबेट के बीच में ही कुछ लोगों ने आके उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था, गाली गुफ्तार शुरू कर दी थी और वोटिंग शुरू कर दी थी, उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे। उसके बाद जैसे ही डिबेट वहाँ ख़त्म हुई, तो डिबेट ख़त्म होते ही वो करीबन 15-16 लड़के थे, ये हाथों में इनके चाकू थे, एक के मैं लोकल कट्टा भी देखा मैंने, मेरी तरफ को वो बढ़े मारने के लिए, तो मेरे साथ एक लड़का रहता है सिक्योरिटी में अनिल, उसने मुझे बचाया उन लोगों से। आज मेरे पास लड़के कम थे, वहाँ पे सिक्योरिटी कम थी, इन लोगों ने मुझे घेर लिया और जैसे मैं वहाँ से निकलने की मैं कोशिश कर रहा था तो उन्होंने चाकू लेके वो मेरे सामने आ गए और फिर पुलिस ने मुझे वहाँ से निकाला। वहाँ पे पुलिस के कुछ जवान थे जिन्होंने मुझे वहाँ से निकलने में मदद की और मैं अभी थाने में मैंने आके भी तहरीर दी है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर ले ली है और जांच में जुट गई है। वहीं अब देखना ये भी होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। जिला अस्पताल में सुरक्षा इंतजामों की पोल उस वक्त खुली जब मरीज को खाना देने आए एक ईमानदार की साइकिल चोरी हो गई। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में सुरक्षा इंतजामों की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां सुरक्षा इंतजामों के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल जिला अस्पताल में ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों की लापरवाही का एक बड़ा मामला उस वक्त सामने आया जब मरीज को खाना देने आए तीमारदार की साइकिल चोरी हो गई। में पीड़ित ने बताया कि उसकी साइकिल अस्पताल से चोरी हो गई, साथ ही बताया कि पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद भी ये घटना घटित हुई, जिसकी जवाबदेही किसकी है, साथ ही उसने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा जरा भी सुनिए। साइकिल चोरी हुई है मेरी, यहाँ साइकिल चोरी हुई, किधर खड़ी करी थी? ये कोऑपरेटिव की तरफ सामने, कैमरे के सामने, कैमरे के सामने खड़ी करी। तो साइकिल आपकी कोई ले गया है? हाँ, कोई ले गया, ताला तोड़ के, ताला तोड़ कर ताला लगा रखा था मैंने। अच्छा, तो पुलिस थी साथ में? पुलिस तो यहाँ मतलब रहती है हर 24 घंटे। जानकारी करी आपने? करी तो ही, मेरे को नहीं मतलब
अरे वो बताते ही नहीं है, एक बार तो मेरे से उधर ही लड़ पड़े पिछले साल साइकिल चोरी भाई, तो भाई टाइम है क्या, मतलब हमका जिम्मेदार है इस बात को, अपनी चीज की सुरक्षा खुद करो। तो ये सुरक्षा प्रशासन काय के लिए है, सुरक्षा करने के लिए या काय के लिए है, ये मोटरसाइकिल तलक चोरी हो रही है, कल को कोई किसी का कत्ल कर जाए तो ये काय का प्रशासन है। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से अस्पताल से साइकिल चोरी हुई है, उससे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार दिन दहाड़े साइकिल चोरी हुई और किसी को पता भी नहीं चला, इसका जिम्मेदार कौन है। ठाकुरद्वारा में मोटा मुनाफा देने का लालच देकर प्राइवेट कंपनियों पर करोड़ों रुपए ठगी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। ठाकुरद्वारा में मोटा मुनाफा देने का लालच देकर प्राइवेट कंपनियों पर करोड़ों रुपए ठगी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधानसभा संभावित प्रत्याशी वसीम अहमद के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने जुलूस के रूप में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि कांग्रेस संभावित प्रत्याशी वसीम अहमद के नेतृत्व में काफी संख्या में कांग्रेसजन तहसील परिसर स्थित बस स्टैंड पर एकत्रित हुए, जहां से कार्यकर्ता वसीम अहमद के नेतृत्व में जुलूस के रूप में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार रामवीर सिंह को अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने बेहतर भविष्य व बेटियों की शादी की आदि के लिए अपनी मोटी कमाई विभिन्न कंपनियों में आरडी और एफडी के रूप में जमा किया था। उन्होंने बताया कि 2.25 करोड़ निवेशकों ने फिक्स डिपॉजिट व सामान्य खातों में 24,000 करोड़ रुपए जमा हुआ था, लेकिन अभी तक प्राइवेट कंपनियों ने वापस नहीं लिया है। आरोप है कि सरकार के पास कोई ऐसा डाटा या सूची नहीं जिससे ये पता चल पाए कि प्रदेश के कितने लोगों का कितना पैसा फंसा है। ज्ञापन दिया जा रहा है जो पल्स ने और सहारा ने जो गरीब लोगों का जो पैसा मार रखा है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था, किसी ने 5 साल की एफ डी कराई थी, किसी ने 6 साल की एफ डी कराई थी, वो सारा पल्स और सहारा ये सारी कंपनियाँ इस पैसों को लेकर भाग गई। इन लोगों ने कोर्ट में भी अपना दखलअंदाज दिया है, लेकिन इस मामले में सरकार शासन कोई भी देखभाल नहीं कर रहा, कोई भी इसमें एक्शन नहीं ले रहा। अंडानी और अंबानी के लिए तो सरकार के पास टाइम है, लेकिन जो गरीब जनता है जो उनका पैसा डूबा उसको कोई एक्शन नहीं ले रहा। इसी में हमारी कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशानुसार, प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में हमने जो गरीबों की बेटियों का जो पैसा मारा गया गरीबों का, उसके लिए हर विधानसभा हर ब्लॉक स्तर पर हर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश का ऐसा कोई जिला या क्षेत्र अछूता नहीं जहां गरीब और सामान्य लोगों का पैसा कंपनियों में ना हो। निवेशकों के प्रयास से मात्र आधा पैसा ही वापस हो सका। कांग्रेसजनों ने कहा कि जल्द ही निवेशकों का सूचीबद्ध कर तत्काल भुगतान किया जाए। हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, सरकार किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रही है। आज ये कांग्रेस की तरफ से हमने एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन सौंपा है, जो महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचना चाहिए। इसमें हमारी शर्त ये है कि जो लोगों ने पैसा जमा किया था पल्स में सहारा में अपनी छोटी छोटी पूंजी में से निकाल कर उन्होंने जमा किया था, और वो 4 साल 5 साल बाद उन्हें मिलना था, उन्हें अपनी बच्चों की शादी करनी थी, किसी को कारोबार करना था, लेकिन वो अभी तक मिल नहीं पा रहा। जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं या तो उन्हें डरा कर धमका कर भगा दिया जाता है। इसका मतलब सरकार जो है उन्हें सपोर्ट कर रही है। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनका पैसा दिलवाया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसमें आगे धरना प्रदर्शन करेगी और पूरी तरीके से उन लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी जो इसमें फंसे हुए हैं। ज्ञापन देने में सैफुल्ला चौधरी, कांग्रेस के महासचिव संजीव सिंघल, नगराध्यक्ष सादिक सिद्दीकी, मुजाहिद चौधरी, वेद प्रकाश, मनोज जहरा, बी पत्नी, वसीम अहमद, शरीफ आजाद, सलाम आगा आदि मौजूद रहे। जनपद के विकासखंड भगतपुर टाणा क्षेत्र के आरएस इंटर कॉलेज में कोवैक्सीन टीकाकरण का कैंप लगाया गया, जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का टीकाकरण किया गया। जनपद के विकासखंड भगतपुर टाणा क्षेत्र के आरएस इंटर कॉलेज डूंगरपुर में कोवैक्सीन टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का टीकाकरण हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार महामारी अलर्ट सुरक्षा के तहत 3 जनवरी से 10 जनवरी तक स्कूलों में टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 की रोकथाम के लिए 15 से 17 आयु वर्ग के 80 विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाई गई। स्कूल के प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने कहा कि देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी के प्रति केंद्र और राज्य सरकार काफी सक्रिय है। हमारे विद्यालय में 80 बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है आज। सर, कौन सी बार यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है? ये तो टीकाकरण पहली बार है विद्यालय में 15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों का।
हमारे विद्यालय के कुछ बच्चों ने वैक्सीन जो गांव में टीम गई है वहां भी करा, कुछ बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है जी। सर जो शेष बच्चे रह गए हैं क्षेत्रवासी व आपके स्कूल के, आप उन सभी से क्या कहना चाहोगे अपने माध्यम से? मेरा अनुरोध सभी बच्चों से है और बच्चों के माता पिता से है, जो भी अभिभावक महोदय हैं, कि ये वैक्सीन सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें हमें पूर्ण रूप से सहयोग देना है। इस दौरान अनीता यादव, CHO आकांक्षा, ग्राम पंचायत सहायक नूतन यादव, मुनेश देवी और स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सजग है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ टीकाकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं रामपुर में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोविड 19 की तीसरी लहर के साथ ही ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी गंभीर है। आने वाले समय में गंभीर बीमारी से लोगों को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इसको देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभागों को वैक्सीनेशन कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर रामपुर के अगापुर रोड प्रभावती स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 50 प्लस के पुरुष और महिलाओं को वैक्सीन लगाई गई। 20 लग चुकी हैं। कितने प्लस में? 15 प्लस। कब तक लगेंगी ये? शाम को 5 बजे तक हमारा कैंप है और शाम को 5 बजे तक हमें बैठना है। क्या इसकी कोई लिमिट है कि आपको दिन भर में कितनी लगाना है? लिमिट तो भैया कभी कभी तो होना हो जाते हैं, बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन अब जब जितने बच्चे आएंगे हमें 5 बजे तक ड्यूटी देनी ही है। और फ़ोन करके भी हम बुलाते हैं बच्चों को, टीचर्स भी हैं वो लोग भी फ़ोन करते हैं, और वैसे भी बच्चे ले आते हैं दूसरे को, हम लोग पूरी तरह से मोबिलाइज करते हैं, जहां तक संभव होता है अधिक से अधिक लगाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आओ हाथ बढ़ाओ संस्था की ओर से एक निशुल्क सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें महिलाओं और छात्राओं को निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया गया। आओ हाथ बढ़ाओ संस्था की ओर से एक निशुल्क सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसमें महिलाओं और छात्राओं को निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इसकी शुरुआत आओ हाथ बढ़ाओ संस्था की संचालिका गीतांजलि पांडे द्वारा की गई। वहीं गीतांजलि पांडे द्वारा समाज सेवा के कार्य में लगातार अपना सहयोग दिया जा रहा है। इस क्रम में बुद्धि विहार में भी गीतांजलि पांडे द्वारा एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसमें छात्राओं को और महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही संचालिका गीतांजलि पांडे ने कहा कि देश के विकास में पुरुष के साथ ही महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी है। आज हमने यहाँ पे सिलाई कढ़ाई केंद्र खोला है, उसका उद्घाटन है, और उसके साथ साथ और चीज़ें हैं, जैसे ब्यूटीशियल कोर्स है, सिलाई कढ़ाई क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें। उद्देश्य खोलने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस इतना है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस वगैरह देने में सक्षम नहीं हैं, तो उनको निःशुल्क ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, और साथ में जो सिखाएगा उसको रोजगार उपलब्ध कराना एक जरिया है। तो निशुल्क प्रशिक्षण होगा? हाँ, निशुल्क प्रशिक्षण होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर स्वावलंबी बनी तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक उन्नति का आधार बन जाएंगी, बल्कि उनके भीतर स्वाभिमान भी पैदा होगा। ये आपका जो संस्था है आओ हाथ बढ़ाए, इन्होंने जो अपना नया काम यहाँ पे शुरू किया सिलाई सिखाने का, हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट विशेष देते हैं कि आप इसमें हर तरह का तरक्की पाए, हर तरह का प्रोग्रेस हो, और हर तरह से आपको इसमें अर्निंग हो, और जो भी बच्चे यहाँ से निकल के जाएं वो खुद ही इसमें माहिर हो जाएं कि आपका नाम हर जगह रोशन होता रहे। नाम ही आपने कहा आओ हाथ बढ़ाए, तो हम भी अपना हाथ आपके साथ बढ़ा रहे हैं। क्रिकेट कोई लिंक, जाति या धर्म पर आधारित नहीं है, यह भावनाओं का खेल है। इसी के चलते EOR TV मीडिया आपके लिए ड्रामा, सस्पेंस और बहुत कुछ सहित अंतिम क्रिकेट अनुभव लेकर आया है। दरअसल इस वेब सीरीज का सीधा उद्देश्य है कि दुनिया भर में सबसे पसंदीदा खेल के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए। थोड़ा सेना लगा देना ये नारा, तकदीर क्या है चार अक्षर एक लफ्ज और बहाना, चीर के जो चट्टान बतोड़े लिख जाए अफसाना। क्रिकेट कोई लिंग, जाति या धर्म पर आधारित नहीं, ये भावनाओं का खेल है, और इसके चलते EOR TV मीडिया आपके लिए ड्रामा, सस्पेंस और बहुत कुछ सहित अंतिम क्रिकेट अनुभव लेकर आया है।
इस वेब सीरीज का सीधा एक उद्देश्य है कि दुनिया भर में सबसे पसंदीदा खेल के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। दीपक पांडे के निर्देशन में बनी इस सीरीज में कई युवा युवतियां स्टार कास्ट के रूप में शामिल हैं। खुशी की बात यह है कि इसमें अपने शहर मुरादाबाद के कुछ युवा क्रिकेटर्स सहित श्रीकांत शर्मा, यश शुक्ला, शिवादित्य, रोहित कुमार आदि ने भूमिका निभाते हुए काम किया है। इसी क्रम में नेगेटिव लीड रोल में काम कर रहे श्रीकांत शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, मेरी वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम द गेम ऑफ द सेक्सेस है। उसमें बेसिकली क्रिकेट के थ्रू हम लोग ये प्रमोट करना चाह रहे हैं कि हर जेंडर को वही एक इक्वालिटी मिलनी चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान को मिलती है। क्रिकेट एक इमोशन है, एक रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड गेम नहीं है। हमने वही चीज़ दिखाई है, इसमें LGBT कम्युनिटी को हमने एम्पावर करने की कोशिश करी है। जी, वेब सीरीज ये बेसिकली मुंबई के आर्टिस्ट हैं, बहुत जाने माने लोग हैं, इन्हें आप डे टू डे लाइफ में हाउसवाइफ्स वगैरह लोग हम सीरियल्स में देखते हैं, जैसे विंध्या तिवारी जी हैं, स्नेहा वाघ हैं, और ईशानी शर्मा जी हैं, और शाहबाज खान जी हैं, वो फिल्म्स वगैरह में आते रहते हैं। आपका जी ये इसका फर्स्ट पार्ट तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन जिस पार्ट में मैं फीचर कर रहा हूँ वो कल लॉन्च होगी शाम को 6:30 बजे 9th of January इनके EORTV मीडिया चैनल पर। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे देखें और बहुत प्यार दें, सपोर्ट करें, और ये हमें इससे यही आगे को सीखने के लिए मिलेगा कि ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है जो आगे जाके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है जिस चीज़ की। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 9 जनवरी को रिलीज हो रही ये वेब सीरीज क्या धमाल मचाती है, या यूं कहें कि आखिर किस तरह लोगों पर अपनी सकारात्मक छवि छोड़ जाती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बेजुबान जानवर से बहुत प्यार करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्यार करना तो दूर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा जानवर इंसान के साथ भी ना करे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही वीडियो सामने आई है जहाँ कुछ लोग बेजुबान जानवरों का शिकार करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। वीडियो में कुछ लोग इन बेजुबान जानवरों का शिकार करने में लगे हुए हैं जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दौलतपुर अजमतपुर के रसूलपुर नगली के जंगलों में कुछ लोग बेजुबान जानवरों का शिकार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि राहगीरों ने डायल 112 को सूचना भी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर शिकार करने वाले सभी शिकारी लोग पुलिस को देखकर भाग गए। बताया गया कि जंगल के बेजुबान जानवरों का शिकार कर सभी शिकारी जानवरों के मांस को आसपास के गांव गतोरा, मोहम्मदपुर, गोविंदपुर, कला, दौलतपुर, अजमतपुर, चकफेरी, लाला टीकर, रोंडा आदि गाँव में ले जाकर बेच देते हैं। बेजुबान जंगल के जानवरों का शिकार करने वालों का आतंक क्षेत्र में इस कदर बढ़ गया है कि क्षेत्र के किसानों के सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल पैरों तले खून कर बर्बाद कर दी। क्षेत्रों के किसानों ने बताया कि अगर हम शिकार करने वालों का विरोध करते हैं तो वो हमें आगे देख लेने की धमकी देते हैं। वायरल वीडियो में शिकार करते दिखाई दे रहे सभी शिकारी लोग क्षेत्र के आसपास गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। किसानों में सभी शिकारियों के खिलाफ काफी रोष दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे में किसानों ने वन विभाग एवं जिले के अन्य अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की है। सर, ये हमारे खेतों में लोग जंगली जानवर मार रहे हैं। कौन लोग हैं? शिकारी लोग। शिकारी लोग, हाँ। तो एक वीडियो भी आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो क्या मामला है, पूरा क्या प्रश्न होता? सर, ये हमारे खेतों में जंगली जानवर मारे गए हैं और हर रोज मारे जा रहे हैं। कौन कौन से जानवर? जैसे हिरन है जी, सुअर है जी, जंगली सुअर है जी, ऐसे। तो कौन लोग हैं जो मार रहा है? आसपास क्षेत्र के लोग हैं। आसपास क्षेत्र, तो पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ जी दिए। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की उस पर? ना, नहीं करी। वो वहाँ से भाग गए। क्या चाहते हैं पुलिस पहुँची तो? सर, हम उनसे कहते हैं जल्द जल्द कार्रवाई, उनपे जल्द जल्द कार्रवाई करी जाए उनके ऊपर। साथ ही सवाल उठता है कि आखिर कब तक बेजुबान जानवरों का शिकार होता रहेगा। थाना ठाकुर द्वारा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद जनपद के थाना ठाकुर द्वारा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र के ग्राम मस्त अलीपुर क्षेत्र के ही रहने वाले कमर अली और आवेज अली के साथ ही क्षेत्र के कुछ रहने वाले लोगों ने कल शाम
समय लगभग 6 बजे मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा घायलों को उपचार हेतु नजदीकी सीएससी सेंटर भेजा गया, जहां से कमर अली और आवेश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का डॉक्टर द्वारा उपचार किया जा रहा है। फिर आगे की जानकारी देते हुए घायल आवेश ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। वो बयान गया हुआ था हमारा 2-2.5 लाख रुपए में, वो पैसे मांग रहा था। कहाँ का मामला है? ग्राम अस्तलीपुर का था, क्षेत्र का। तो क्या लगाए आपके सिर पर? सर उन पे वही थे हथियार की कुल्हाड़ी थी वो था। कितने लोग थे वे? 8-10 आदमी। क्या कह रहा हूँ सब थे यहाँ। क्या नाम है उनका? आमिर है, एक साबिर है, एक कासिद था, एक साबिर। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ? जमीन का। जमीनी विवाद है, कब से चल रहा मामला? सर बयान है तो 5-6 महीने पहले। अच्छा, वही देखना ये भी है कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। बिजनौर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसके चलते पुलिस ने अंतर जनपदीय शराब तस्कर गैंग का भांडाफोड़ कर 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने अंतर जनपदीय शराब तस्कर गैंग का भंडाफोड़ कर 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का है, जहां गंग नहर पर गैर जनपद के 3 शराब तस्करों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तीनों शराब तस्कर बड़े पैमाने पर गैर जनपदों में शराब की तस्करी करते थे, जिनके पास से 2,250 लीटर शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। साथ ही एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इस जिले में शराब तस्कर बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी करते थे, जिनको आज कामयाबी हासिल करते हुए गिरफ्तार किया गया है। नहर की पटरी पर एक टैंकर, एक स्विफ्ट डिजायर, एक इनोवा गाड़ी खड़ी थी, वहाँ 3 लोग कुछ कर रहे थे। इस सूचना पर हमारी कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम ने वहाँ पे छापेमारी की। एक टैंकर मिला जिसमें ENA की सप्लाई होती है, काशीपुर की IGL कंपनी से ENA ले जाते हैं, ये देहरादून, हरिद्वार, काठमांडू, हरियाणा में कई जगह ले जाते हैं। उसमें से आते हैं, अनलोड करते समय कुछ ENA बचा लेता है ड्राइवर, जिसको कि एक राम सिंह नामक व्यक्ति है जो थाना भगतपुर मुरादाबाद का रहने वाला है, उसके माध्यम से ये लोग अपनी मिश्रित शराब बना के और विभिन्न जगहों पर सप्लाई करते हैं जहां इनकी डिमांड आती है। घेराबंदी करके जब गिरफ्तारी की गई तो 3 लोग पकड़े गए, उसमें मोहम्मद उमर, मुस्तफा और जसीम है। इसमें से 2 लोग मुरादाबाद जनपद के रहने वाले हैं, 1 जनपद रामपुर का है। इन लोगों ने पूछताछ करने पर बताया कि राम सिंह के माध्यम से हम लोग पूरी डील करते हैं, राम सिंह से सप्लाई तय करते हैं, जो स्थान उसके द्वारा बताया जाता है वहां से जाके हम लोग शराब ले आते हैं। तो कल जो सामान बरामद हुआ उसमें लगभग 2,250 लीटर अपमिश्रित शराब है, यूरिया खाद है और अपमिश्रण करने वाले तमाम सामग्री और यंत्र वहां पे बरामद हुए। इनकी गिरफ्तारी की गई, इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने 3 तस्करों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक दिल दहला देने वाली घटना उस वक्त सामने आई जब मुरादाबाद के थाना कटघर स्थित मुस्लिमा डिग्री कॉलेज में कुछ दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। शहर में दबंगों की दबंगई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको देखकर लगता है कि उनमें पुलिस के प्रति खौफ नहीं है। एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई मुरादाबाद के थाना कटघर स्थित मुस्लिमा डिग्री कॉलेज में। उस समय अफरा तफरी मच गई जब जींस के कारखाने में एक युवक पर जानलेवा हमला बोला गया। जानकारी के अनुसार समीर नाम का युवक कारखाने में बैठा था, तभी अचानक इमरान इकराम पुत्र फिरासत निवासी करबला थाना कटघर ने पुरानी रंजिश को लेकर कुछ अज्ञात युवकों के साथ समीर पर हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले को लेकर पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। असलम ने और इकराम ने मारा है सिर्फ, पता नहीं चक्कू मारा क्या मारा, बल्ला मारा क्या मारा, सिर्फ हड्डिया। किस क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी पूरी, क्यों मारा? बात कुछ ना हुई थी, बात ही हुई थी मोहल्ले में रहे थे, एक मोहल्ले रह रहे थे उसके पास आए थे वो, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या हो गया, तो उन्होंने छट्टे वहाँ पे भी लड़ाई लड़ी, वहाँ पे सिमट गई थी लड़ाई, बड़े बड़े उन्होंने सिमटवा दी थी। फिर कह रहा था ये मारूंगा जरूर, जान से मारूंगा,
गोली मार लो दे दिया था। फिर दोपहर खाने में आया, आते ही चार पांच लड़के मारम पूरे में लग गए। बचाने वाला बीच बचाव में इतने आए भाई साहब, ये लेके गए बचा। अच्छा वही देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। एक दिल दहला देने वाली सड़क हादसा उस वक्त सामने आया जब मुरादाबाद के दलपतपुर जीरो पॉइंट पर अचानक तेज रफ्तार दो वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर लोगों में खौफ है, तो वही इन हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो एक चिंता का विषय है। वही एक दिल दहला देने वाली सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब मुरादाबाद के दलपतपुर जीरो पॉइंट पर अचानक तेज रफ्तार दो वाहनों की टक्कर हो गई। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गया, घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया जहां उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बबराला मजरा थाना कटघर निवासी वार हुसैन किसी काम से दलपतपुर जीरो पॉइंट पर जा रहे थे, तभी अचानक वे इस घटना का शिकार हो गए। एक्सीडेंट हो गया था, कहां पर बताया? दलपतपुर देखा था, दलपतपुर हुआ देखा था हमें, ये यहीं पे मिले सिविल लाइन में, हम दवाई खाने आते हैं सर यहां पे। अच्छा, तो कौन लेकर आया था इन्हें पता चला? सोलंबर में आए थे सर ये, हमें ये इतना मिली तो हमने पहचान लिए ना, तो हमें दर्द हुआ थोड़ा, हमारे मोहल्ले के चाचू ही लगते हैं इसलिए हेल्प कर रहे हैं इनकी, घर वालों को बुलाया हमने। अब देखने वाली बात ये होगी कब जाकर सड़क हादसों पर विराम लग पाता है। मजूला थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसके चलते पुलिस ने 4 जनवरी को हुई हत्या का खुलासा कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद जनपद की मजूला थाना क्षेत्र पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसके चलते पुलिस ने 4 जनवरी को हुई हत्या का खुलासा कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थाना मजूला क्षेत्र की चौकी टीपी नगर के अंतर्गत चौधरी ट्रांसपोर्ट पर हुई हत्या का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि 4 जनवरी को अमित कुमार पुत्र बलराम निवासी रामपुर मैदान थाना कुनरकी द्वारा मझौला थाने में अपने पिता की हत्या की एक तहरीर दी गई थी जिसमें थाना मझौला पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए आज 3 अभियुक्तों को लाखड़ी टेम्पो स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। 3 तारीख को ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में एक रात्रि में एक हत्या का मामला सामने आया था जिसकी तहरीर 4 तारीख को 2 बजे मृतक के बेटे श्री अमित कुमार उन्होंने थाना मझोला में दी थी और उसके बेसिस पे मुकदमा अपराध संख्या 13/22 धारा 302 404 एवं 34 IPC बनाम पप्पू पुत्र लाल सिंह कल्लन पुत्र इंद्रपाल और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पंजीकृत हुआ। उसके बाद हमारी टीम इस मुकदमे की तफ्तीश में जब लगी तो उन्होंने जब पता किया तो वाकई में पूछताछ करने पे पाया गया कि ये जो है हत्या करके एंटीमॉर्टम थ्रॉटलिंग जो आया है PM में, ये हत्या करके वहाँ से एक पुरानी पैसों के लेन देन और रंजिश के वजह से हत्या करके और भाग रहे थे। तभी मृतक के भाई राज बहादुर मौके पे आए और उन्होंने देखते हुए भागते हुए भी देखा। उसके बाद हम इनकी तलाश में लगे तो कल रात्रि 7 तारीख को टेम्पो स्टैंड लाकड़ी रोड पे इनको रात्रि 9:30 के अराउंड गिरफ्तार किया गया है मुखबिर खास की सूचना पे। फिलहाल पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर के कई इलाकों में 3 दिन से हो रही रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते सर्दी का सितम जारी है जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 5 जनवरी को चेतावनी जारी करते हुए जनपद बिजनौर और अन्य कई जनपदों में 3 से 4 दिन ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई थी जिसमें बिजनौर के कई इलाकों में 3 दिन से रुक रुक कर हवाओं के साथ हो रही बारिश से सर्दी का सितम जारी है। लोग सर्दी से बचने के लिए घरों में कैद है और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बारिश ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी 8 जनवरी से बढ़ाकर 16 जनवरी कर दी है। जैसे रुक रुक के बारिश हो रही है, ठंड बतरी बढ़ गई है जी। ठंड से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? हम अलाव का सहारा ले रहे जी। जैसे कि प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी, इसके बारे में बताएं। ये ठंड के कारण ही जी 16 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी है प्रशासन ने। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि शहरी इलाकों में प्रशासन द्वारा रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है ठंड से बचने के लिए, क्या ग्रामीण इलाकों में इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है? नहीं जी, गांव में नहीं करी गई है ऐसी कोई व्यवस्था। ये
जनपद बिजनौर के इनायतपुर, नगीना धामपुर, नहटौर, अन्य कई स्थानों पर 12 घंटे से तेज हवाओं के साथ हो रही लगातार बारिश और बादलों में काली घटाएं छाई हैं। आज के लिए बस इतना ही और आप देखते रहिए SS लोकल लाइव। आप हमारी इन सभी खबरों को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। वेलकम टू होटल मोती महल रेस्टोरेंट, TDI सिटी नियर गोल्ड जिम मेन रोड, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर 5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हाँ, अब आपके शहर मुरादाबाद के राम गंगा बिहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहाँ पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट। मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहाँ आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटिफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड to the conclusion, just around